जो कष्ट मुझे हुआ वो दूसरों को ना हो, इसीलिए मुझे लगा कि इस कष्ट के कारण को ही नष्ट करना है आवश्यक। झाड़ी में मट्ठा डाल के कैसे आचार्य? झाड़ी में मट्ठा आमंत्रण है उन चींटियों को जो अब आएंगे और मिटा देंगे झाड़ी को जड़ से। तत्पश्चात ये मार्ग हो जाएगा कांटों बिना सहज सबके। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं, समझदार वो है जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम ले। इतिहास वही बदलते हैं जो दिन में सपने देखते हैं। फूट डालो और राज करो, यही नियम है राजनीति का। नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाएं वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। आदर्श राजा वो है जिसके तन मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को ना सीमाओं को, और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से, और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा। सपने देखने वाले ही सपनों को पूरा करते हैं। जब कभी हमारे सामने अचानक एक के बाद एक अपेक्षा से कहीं अधिक संयोग होने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ अनुचित हो रहा है। बुद्धि दिखा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं चंद्रगुप्त, एक सरल मार्ग तो दूसरा कठिन। सरल मार्ग सदैव लुभाता है परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है, एवं दूसरा कठिन मार्ग वो लंबा हो सकता है किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। यदि तुम्हें सहायता चाहिए तो उसे पैदा भी तुम ही को करना पड़ेगा। मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं है, जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसाओ, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, हर विषय में सर्वश्रेष्ठ। और एक बात, सच्चा योद्धा ना तो शारीरिक बल से बनता है और ना ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से। सच्चा योद्धा बनता है मात्र अपनी बुद्धि से। चुनौतियां तुम्हारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगे। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहा तो हर चुनौती हर परीक्षा तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगी। आदर्श विद्यार्थी वो है जो किसी भी परिस्थिति में सीखने के लिए सदैव तत्पर है। छोटे से मिले, बड़े से मिले, जहां से भी मिले, उसे मात्र शिक्षा ग्रहण करनी है। इच्छित विद्या अपनों से मिले, परायों से मिले, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, उसका लक्ष्य हर मूल्य पर विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो, जो कहे वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सीखने में किसी से पीछे नहीं रहना चंद्रगुप्त। समय अमूल्य धन होता है, इसे यूं व्यर्थ मत गवाओ। की बात है। सबसे बड़ा बल हृदय में होता है, यदि यह बल निर्बल ना हो जाए तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चुके।
मित्र और शत्रु में भेद करना भूल जाए तो समझ लो कि उसने पतन की ओर अपना पहला पग उठा लिया है। जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें, तो उनसे बहुत संभल कर रहना। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है। चाहे जितनी पीड़ा हो, यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना, तो इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित करो, बता दो उन्हें कि अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदायित्व। अच्छे और बुरे लोगों में अंतर होता है आत्मा का। होता क्या है चंद्रगुप्त, कि कभी कभी अच्छे लोग बुरों को सबक सिखाते समय अपनी आत्मा की मूल अच्छाई को ही भूल जाते हैं, वो बुरों जैसे हो जाते हैं। इस बारीक अंतर को सदैव याद रखो चंद्रगुप्त, क्योंकि यही अंतर मानव को पशु होने से बचाता भी है। बुरों को पाठ पढ़ाओ, किंतु ऐसा करते समय पशु मत बन जाओ। नेता वो है जो दल के हर सदस्य को साथ ले, उनकी क्षमताओं का उचित उपयोग ले और हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। मित्र बनाए नहीं जाते, अर्जित किए जाते हैं। जिन्होंने तुम्हें अपना नेता मान लिया है, उनके साथ चलने में क्या चुनौती? चुनौती उन्हें साथ लेकर चलने में है जो तुम्हें अपना नेता ही ना माने। सुनना सबके चंद्रगुप्त, किंतु करना अपने मन की। और एक बात, मित्र हो चाहे शत्रु, प्यार से सभी को जीता जा सकता है, लड़कर नहीं। एक महान योद्धा की क्या पहचान होती है चंद्रगुप्त? जो ही वो युद्ध में जीते, विजय उत्सवों में अपना समय गंवाए बिना अगले लक्ष्य को प्राप्त करने की योजनाओं में लग जाए। व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करता है, और जब वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है, और यही अनुभव उसकी पूंजी होते हैं। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है चंद्रगुप्त। वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख, राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है, वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बढ़